दोस्तों आज आपके सामने 2023 की कुछ यादगार तस्वीरों को साझा कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक विद्यालय, सरकारी विद्यालय की शिक्षिका हूँ जो कि दरभंगा बिहार में है, और इस विद्यालय में हमारे अगल बगल के बच्चे विद्यालय में आकर पढ़ते हैं, दरभंगा लहरिया सराय बंगाली टोला के। और यहाँ पे बच्चे अपनी प्रतिभा से, अपने कार्यों से प्रत्येक दिन नए नए कीर्तिमान हासिल करते हैं। इसी क्रम में मेरा जो ये वीडियो है, इस वीडियो में 2023 की वो सारी यादें, अनगिनत तस्वीरें, झलकियां हैं जो किसी कारण से मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी। इसमें विद्यालय में होने वाले कार्यों में मिले जुले शिक्षक, हमारे विद्यालय के प्रबंध समिति के सचिव और विद्यालय के बच्चे उनके अभिभावक हैं, और साथ ही मेरे परिवार के कुछ सदस्यों की भी तस्वीरें हैं। यहाँ बच्चों ने बहुत तरह के कार्यक्रम किए जिसमें बच्चों ने स्वयं से एंकरिंग की, स्वयं से नृत्य प्रतियोगिता की, स्वयं से हर प्रतिस्पर्धा में खुद से भाषण देना हो, हिंदी या इंग्लिश क्विज कंपटीशन हो, या पेंटिंग हो, या रंगोली हो, विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। साथ ही साथ इसमें मेरी बेटी की भी कुछ तस्वीरें हैं। मेरी बेटी भी विद्यालय में पढ़ती है और विद्यालय में उसके द्वारा किए गए प्रोजेक्ट को मैंने यहाँ दिखाया है कि मेरी बेटी किस तरह से प्रोजेक्ट बनाई है और प्रोजेक्ट को उसने किस प्रकार से विद्यालय में प्रस्तुत किया है, और साथ ही साथ हमारे विद्यालय के होनहार छात्रों ने किस प्रकार अभी 25 दिसंबर को मनाने के लिए अपने हाथों से रंग बिरंगी कार्यों को निष्पादित किया, वॉल हैंगिंग बनाया, सेंटा क्लॉज बनाया, सुंदर से सजाया, और उन्हीं सजावटों को मैं विद्यालय में लेकर उनकी तस्वीरों को मैंने लिया है। साथ ही साथ बच्चों ने ग्रीटिंग्स बनाया, कक्षा में ग्रीटिंग्स का प्रदर्शन किया, और बच्चों ने ही अपने से अपने विद्यालय को सजाया, या यूं कहें कि बच्चे अपने विद्यालय को अपना मंदिर मानते हैं और हम शिक्षकों को अपना भगवान। और हम जिस तरह से अपने बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं और आने वाला भविष्य हमारे बच्चों का उज्जवल होगा, यही आशा है और यही आशीर्वाद है इन बच्चों को। और इसी प्रकार से हमेशा ये अच्छा करें, इनकी झलकियाँ मैं रखती हूँ। साथ ही मेरे कुछ और मोहल्ले के बच्चे हैं, उनको भी मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि वो भी अपने स्कूल में कितना अच्छा कर रहे हैं। मेरे विद्यालय में बच्चे नए यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, बच्चे नृत्य करते हैं, हर जगह हर परिवेश में मेरे बच्चे मेरी बेटी की तरह ही मैं हर बच्चों को देखती हूँ। और यहाँ बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा तन्मय होकर हम शिक्षकों के साथ रहते हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही होनहार, बहुत ही समझदार, और इनको बढ़ाने में हमारे विद्यालय परिवार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम शिक्षक, हमारे प्रधान अध्यापक, हमारे सचिव, हमारे प्रबंध समिति के सारे सदस्य मिलकर विद्यालय चलाते हैं, और साथ ही साथ सरकार की भी बहुत ही प्रशंसा करनी होगी कि हमारे अल्पसंख्यक विद्यालय को इसकी नियमित देखरेख कर रहे हैं सरकार, और हमारे यहाँ के विद्यालय के बच्चों को सभी योजनाओं का लाभ देती है सरकार। तो इस प्रकार से हम लोग विद्यालय चला रहे हैं, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, सबकी सहभागिता होती है, सहयोग होता है, तभी कोई आगे बढ़ता है, तभी कोई समाज उन्नति करता है। तो वही यहाँ परिलक्षित हो रहा है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास तभी होता है जब पूरा समाज, या यूं कहें पूरा देश मिलकर उसको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर होता है। हमारे बच्चे 21वीं सदी के बच्चे हैं, ये बच्चे बहुत होनहार हैं, बहुत समझदार हैं, और कोई गरीबी, कोई आर्थिक स्थिति इनको परेशान नहीं कर रही है, इनका भी भविष्य उज्जवल है। आने वाले दिनों में ये सभी बच्चे बड़े बड़े पदों पर आसीन होंगे, ऐसी आशा और विश्वास है। और हम शिक्षकों का क्या, हम शिक्षक इन्हीं बच्चों से हमारा संसार है, और हमारे बच्चे यही तो हमारे बच्चे हैं, हमारी बगिया के फूल हैं, और इनको सजाना, इनको संवारना, इनको समझदार बनाना ही हम शिक्षकों का काम है। इसमें मैंने अपने कुछ सहयोगी मित्रों का भी सहयोग लिया है जिनके साथ मैं रहती हूँ, ये सभी शिक्षक हैं, और सभी एक शिक्षक समुदाय मिलकर बच्चों को आगे बढ़ाने में लगे हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारी बेटी है या हमारा बेटा है वही आगे बढ़े, हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो भी हमारे पास आया है वो हमारा बच्चा है, और हमारा बच्चा आगे बढ़े इसके लिए हम शिक्षक तत्पर हैं और आगे भी रहेंगे।
हमारे बच्चे दिल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनकी भावनाएं कभी आघात ना हो, यही हमारी कोशिश है। और ये नन्हे फूल यूं ही आगे बढ़ें, यूं ही जीवन में सफलता हासिल करें, कोई दुख इन्हें ना मिले, ये आगे यूं ही सफलता के सोपान चढ़े, यही आशा, यही विश्वास और यही आशीर्वाद। मेरा मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों का संसार काफी खुशहाल हो, ईश्वर की आशीर्वाद इन्हें सदा मिलती रहे।